जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नारमदेव ब्राह्मणों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों कलयुग के 16,000 वर्ष व्यतीत होने पर कौशाम्बी नगरी में पारस्कर महर्षि का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सोमदत्त मुनि और माता का नाम वसुदत्ता था। पारस्कर जी के तीन नाम कात्यायन, वररुचि और पारस्कर थे। ये सकल विद्याओं में पारंगत थे। इन्होंने बृहत कथा विधानक नामक ग्रंथ लिखा जिसके 7,00,000 श्लोक थे। इनके चातुर्य वर्ण उत्पत्ति नामक ग्रंथ के 51वें और 52वें अध्याय में नारमदेव ब्राह्मणों की उत्पत्ति का वर्णन है, जिसके अनुसार द्वापर के अंत समय राजा परीक्षित के निर्वाण के समय 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सुनकर राजा परीक्षित की मुक्ति देख सभी राजा देव ऋषि ब्राह्मण आदि अपने अपने आश्रम चले गए, किंतु उन ऋषि समुदायों में से परम विद्वान ब्रह्म तेजस्वी शांत वृत्ति वाले पंच द्रविड़ भेद के अंतर्गत गुर्जर वर्ग के 40 ब्राह्मण आनंद में स्वेच्छा से विचरण करते हुए नर्मदा किनारे पहुंचे। इनकी कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज, अंगीय, भृगु, अगस्त इन 10 ऋषियों के गुण भेदों से उत्पत्ति है। सब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और 40 गोत्र अनेक प्रवर हैं। ये सभी 40 ब्राह्मण नर्मदा के किनारे मंधाता नगर के निकट श्री ओंकारेश्वर के पास मार्कंडेय मुनि के आश्रम में पहुंचे। मानधाता नगर के राजा हंसध्वज ने बड़ी प्रसन्नता से उनका सत्कार किया। ये सभी ब्राह्मण नियम पूर्वक 12 वर्ष तक तप करते रहे। एक दिन प्रातः विचार करने लगे कि 12 वर्ष बीत जाने पर भी हमें भगवान के न तो प्रत्यक्ष दर्शन हुए और न ही इच्छा पूर्ण हुई, और नदियों में श्रेष्ठ देवी नर्मदा ने भी हमारी उपेक्षा की। श्री ओमकारेश्वर एवं देवी नर्मदा के प्रत्यक्ष दर्शन के बिना अब हमारा जीवन व्यर्थ है, ऐसा परस्कर कहकर वे सब ब्राह्मण नर्मदा के जल में कूद पड़े, जिससे उनका श्वास रुक गया, वह अवचेतन हो गए। ऐसी स्थिति देखकर अत्यंत कृपा से नर्मदा साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई और कृपा दृष्टि से क्षण मात्र में जीवित कर दिया उन सभी ब्राह्मणों को और कहा, ब्राह्मणों देखो मैं स्वयं नर्मदा आई हूँ, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे कहो। देवी के वचन सुनकर ब्राह्मण बाहर आए और नर्मदा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन किए तथा गदगद वाणी से स्तुति की। तब माँ नर्मदा ने ब्राह्मणों से कहा, हे पुत्रों, धर्म मार्ग में तत्पर रहकर जिस उद्देश्य से तुमने मेरी प्रार्थना की है वह मेरी कृपा से तुम्हें मिलेगा। मेरे द्वारा तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें अपने पुत्र मान लेती हूँ। तुम्हारी भी मुझ पर मातृभक्ति है, अतएव सब समय आप मेरे पास ही रहोगे और सब वर्णों को मान्य ऐसा नर्मदेव ब्राह्मण यह नाम पृथ्वी पर भविष्य में और भी विख्यात होगा। कलयुग में दुर्लभ होते हुए भी आज से 7वें दिन तुम्हें श्री ओमकारेश्वर का दर्शन होगा और कुछ समय बाद मानधाता कुल में उत्पन्न राजा यज्ञ के लिए तुम्हारे विवाह करवाएगा। माँ नर्मदा की कृपा से 7वें दिन शुभ योग होने पर कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन जब सूर्य अभिजीत नक्षत्र में थे उस समय भगवान ओमकारेश्वर उन ब्राह्मणों के सामने प्रकट हुए। ब्राह्मणों ने भगवान की गदगद वाणी से स्तुति की। तब भगवान ने कहा, मेरी प्रिय नर्मदा ने तुम्हें पुत्र मान लिया है, इसलिए तुम्हें मेरे दर्शन हुए हैं। नर्मदा जी के कहे अनुसार मानधाता नगर के स्वामी राजा हंसध्वज ने यज्ञ करने की इच्छा की। राजा ने मार्कंडेय मुनि को यज्ञ करने की इच्छा से अवगत कराया और कहा कि आप यज्ञ के प्रधान रहेंगे और नारमदेव ब्राह्मण ऋत्विज रहेंगे, किंतु ये ब्राह्मण अविवाहित होने के कारण यज्ञ प्रारंभ नहीं कर सकते। इसलिए यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व राजा ने सर्वधर्म में अनुष्ठित विद्यमान सुशील रूपवती 40 कन्याओं के साथ उन 40 ब्राह्मणों का विवाह कर दिया। यज्ञ के पश्चात राजा ने ऋत्विज नारमदेव ब्राह्मणों को बहुत प्रकार से दक्षिणा देकर पूजा की
तथा भविष्य में उनकी संतानों के हित के लिए राज्य से उन्हें बहुत उत्पादन देने वाली भूमि और ग्राम दिए। राजा ने उन नार्मदेय ब्राह्मणों को प्रत्येक ग्राम में राज्य कार्य करने के लिए अध्यक्षता यानी के जागीरदारी प्रदान की और चारों वर्णों के पुरोहित कार्य करने के लिए अधिकृत किया। इस प्रकार नार्मदे कुल में उत्पन्न सब संतान नार्मदे नाम से ही पृथ्वी पर विख्यात हुए। नार्मदे ब्राह्मणों का वेद यजुर्वेद है और वाजसनेयी शाखा के अंतर्गत मध्यांदिनी शाखा है। याज्ञवल्क इनके ऋषि हैं, कात्यायन सूत्र है और कश्यप आदि 40 गोत्र हैं। गुण कर्म के अनुसार कई उपनाम, कुल नाम और अलग अलग अनेक कुल देवियां हैं। ओमकारेश्वर क्षेत्र में रहने वाले नार्मदियों में से श्रेष्ठ याज्ञेश्वर नामक दीक्षित जी ने सोम यज्ञ किया था। नार्मदे के 49 गोत्रों में से 12 गोत्र नष्ट हो गए हैं। वर्तमान में 28 गोत्र वाले 98 प्रवर हैं और विंध्यवासिनी आदि कुल 36 कुल देवियां हैं। 80 उपनाम हैं और पुरोहित 300 शुक्ल हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया नर्मदे ब्राह्मणों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी लोग इन वीडियो को देख सकें। आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आप और भी देखते रहें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।